आपके अपने YouTube चैनल विलेज शिक्षा वेनिता चंद्रा में। जैसे कि आपको पता है, हमने साइकोलॉजी स्टार्ट कर रखी थी, उसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पियाजे और स्टेजेस कर ली थी। इसी तरह आज हम करेंगे एक और थ्योरी जिसको बोलते हैं वाइगोसी सोशियो कल्चर थ्योरी। तो आज जो हमारी थ्योरी है, जैसे हमने पियाजे की बात करी थी, पियाजे क्या है, स्टेजेस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि जो बच्चा है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग सीखता है ना। तो जो वाइगोसी है ये भी उन्हीं की तरह ही है, ठीक है, मतलब वो भी कॉग्निटिव पे बिलीव करते हैं, बट ये ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, सोसाइटी पर, ठीक है, किस पे करते हैं, सोसाइटी पर, ठीक है। तो सोसाइटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, इनका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो एक स्टेज वाइज तो सीख रहा है लेकिन सोसाइटी में भी रह के सीख रहे, ठीक है। सोसाइटी से जितना इंटरेक्शन करेगा बच्चे की जो डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल बोल रहा हो चाहे वो कल्चर बोल रहा हो, वो उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी, ठीक है। और हम बात करते हैं जो हमारे पास ये वाइगोसी है, ये रशियन से है, ठीक है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है हमारे, ठीक है। और इन्होंने भी मतलब अपने बच्चे और अपने आसपास के बच्चों पे देखा और स्टडी करी, और जो इनकी डेथ थी वो 38 के अराउंड हो गई थी, ठीक है, 38 के अराउंड, ठीक है, मतलब बहुत कम एज में ये हम सबको छोड़ के चले गए। वही अगर बात करें तो जो इनका सिद्धांत है, जो हमारा एनसीएफ है 2005, जो किस पे बेस है, रचनावाद, है ना, रचनावाद पे हमारे पास है, कंस्ट्रक्शन बेस है कि बच्चा खुद करके सीखता है, बच्चे को फ्री छोड़ दो, बच्चा समाज में जो देखेगा जैसे सीखेगा अपने अनुभव से, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पे इनका जो सिद्धांत है वो आधारित है कि बच्चा क्या करेगा, खुद ही करके सीखेगा, जैसे ब्रूनर वगैरह है वो भी। अब हम इससे बात करें तो यहाँ पे वाइगोसी की तरह इन्होंने भी मतलब पियाजे की तरह इन्होंने भी लैंग्वेज पे बोला है, वो हम आगे स्टेजेस वाइज करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या है, जो वाइगोसी है वो रशियन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, इनकी जो साइकोलॉजी है वो एनसीएफ 2000 बेस्ड रचनावाद पे आधारित है, और ये लर्निंग बाय डूइंग पे भी बिलीव करते हैं, बच्चा एक्टिविटी करे, बच्चा क्या करे, एक्टिविटी करे और उसके द्वारा वो सीखेगा, और मायने रखता है कि बच्चा कितने ग्रुप में मतलब कितनी ज्यादा अपने से बड़ी एज के साथ रह रहा है। अगर वो छोटा बच्चा है ना, वो अपने बड़े भाई बहनों के साथ रहता है तो बड़े भाई बहन जैसे करते हैं वैसे सीखता है, फिर बच्चा टीचर के साथ रहता है ना, तो मतलब यहाँ पे ये मायने रखता है कि बच्चा अपने से बड़ी एज के साथ कितने घुल मिल रहा है और कितना सीख रहा है। तो हमने देख लिया कि वो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना, लैंग्वेज को मतलब चलो लैंग्वेज की बात हम करेंगे, ठीक है, और उन्होंने अपने बच्चों पे ही वो एक्सपेरिमेंट करा, देखा उन्होंने, और उन्हें सोशल को ज्यादा मतलब जो सोसाइटी है उसको उन्होंने सेंटर में रखा है, ठीक है, कि जो बच्चा कुछ भी सीखेगा वो सोसाइटी से लेके सीखेगा। अब हम यहाँ पे उनके 3 इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है उनको देख लेते हैं, उन्होंने किस किस पे बोला है। तो पहला 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, मतलब 3 जो इंपॉर्टेंट इनकी धारणाएं हैं ये बोल लो, तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले सोसाइटी या सोसाइटी बोल लो या सोशल बोल लो, है ना, सोशल इंटरेक्शन ऐसे लिख लेते हैं हम, है ना, सामाजिक अनुक्रिया जिसको बोलते हैं, वही सेकंड हम बात करते हैं कल्चर, थर्ड हम बात करते हैं लैंग्वेज मतलब भाषा। अब देखो मुझे 3 इन्होंने 3 को मेन फोकस करा। पहला इन्होंने बोला कि सोशल इंटरेक्शन, कि जो बच्चा है वो समाज में रहता है तो उसके अकॉर्डिंग सीखेगा, ठीक है, मतलब तब एक्टिविटी करेगा जिसमें रहके, समाज में रहके वो अच्छी बातें सीख रहा है, गलत बातें सीख रहा है, कैसे भी अपने आप बिहेवियर में मोटिवेशन लेके आ रहा है, बिहेवियर में चेंज लेकर आ रहा है, तो कैसे सीखता है, सोशल इंटरेक्शन से, ठीक है। और अगर आपको बीच में किसी भी टर्म का मतलब किसी भी शब्द का मतलब ना समझ आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें कल्चर, अब कल्चर क्या है ना, तो कल्चर का मतलब क्या होता है, वे ऑफ लिविंग। अब वे ऑफ लिविंग क्या है, कि कैसा चलता आ रहा है हमारे समाज में, है ना, मतलब सोसाइटी में हम किस तरह के नॉर्म्स वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं, वो हमारा कल्चर है, हम कैसे रहते हैं, तो वो हमारा कल्चर हो गया। अब लैंग्वेज को इन्होंने टूल्स बोला है, ठीक है, क्या बोला इन्होंने, लैंग्वेज को टूल्स। अब इन्होंने क्या करा, हमारे पियाजे क्या बोल रहे थे कि जो लैंग्वेज है वो कैसे आता है, पहले
विचार आते हैं उसके बाद लैंग्वेज आती है ना। इन्होंने क्या बोला, पहले लैंग्वेज आती है फिर विचार आते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट नहीं है, एक ही चीज है। वो हम इनकी लैंग्वेज के बारे में जब बात करेंगे प्रॉपर तरीके से तब करेंगे। तो इनके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, सोशल इंटरेक्शन मतलब बच्चा समाज में रहकर सीखता है, अपने कल्चर से सीखता है कि कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है ना। उसके बाद वो लैंग्वेज टू मतलब अपने जो भाव है वो बच्चा कैसे बताएगा, भाषा के द्वारा बताएगा। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमने तीन आस्पेक्ट कर लिए, सोशियो कल्चर और लैंग्वेज, ठीक है। अब इसकी कुछ बच्चे टर्म है इस थ्योरी में जो हमारे पास टर्म आती है, उन टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो तीन टर्म है कौन सी, इंपॉर्टेंस टर्म्स, ठीक है, जो हमें इसमें मतलब देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, ZPD। अब ये ZPD है क्या, है ना, हमारे पास जो ZPD है वो क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये है क्या वो हम बात कर लेते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सेकेंड है हमारे पास MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो हमसे ज्यादा जानता हो, ठीक है, जो ज्यादा जानता हो, कोई भी हो सकता है, बात कर लेते भी। और थर्ड हमारे पास क्या है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, मदद का ढांचा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मचान भी बोल सकते हैं वैसे तो, ढांचा, ठीक है, मचान भी बोलते हैं। अभी है क्या मतलब, देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही वर्ड आते हैं, अगर आप कोई भी आप सीटेट कर रहे हो, PSTET कर रहे हो, रीट कर रहे हो, है ना, और डीएसएस भी कर रहे हो या KVS की तैयारी कर रहे हो या UPTET कर रहे हो, तो ना उसमें ना ये हमारी वर्डिंग जो है वो पूछ लेते हैं कई बार कि ये होते क्या है। तो GPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब संभावित विकास का क्षेत्र, मोर नॉलेज, MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, और स्कैफोल्डिंग। तो जब हम इन तीन की बात कर रहे हैं, ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, तो ये है क्या, है ना। तो बच्चा सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमारा स्टूडेंट है, ये हम बच्चे हैं, ठीक है, एक ये हमारे पास बॉक्स, एक ये और एक, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे ZPD, ठीक है। अब यहां पर है क्या, सबसे पहले संभावित विकास का क्षेत्र, यहां एक बच्चा है, ठीक है, और उसका जो विकास है ना वो यहीं तक हो सकता है, ये जो लाइन है, इसके बाद उसका विकास संभव नहीं है, या बोल दो कि यहीं तक होगा, ठीक है, उसका विकास। अब यहां तक वो हाँ मैं यहां बोल दो, उसको हमें माता मदद देनी है। अब MKO क्या होता है, अच्छा MKO का ये देख रहे थे, ZPD। अब ZPD क्या है, मतलब संभावित विकास का क्षेत्र है, कि हमें विकास जो है बालक कहां तक सीख सकता है, ठीक है, वो हो गया संभावित विकास का क्षेत्र, की उसको मदद देने की जरूरत कहां तक है। अगर हम बात करें MKO, अब MKO हमें जैसे एक बच्चा है, ठीक है, और वो साइकिल चलाना सीख रहा है, जस्ट साइकिल चलाना सीख रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, उसके फादर या उसके भाई बहन या फ्रेंड क्या करते हैं, उसको पीछे से साइकिल को होल्ड करते हैं, बच्चा आगे चलाना सीखता है। तो मतलब क्या है, जो उसको मदद दी जा रही है, दैट इज स्कैफोल्डिंग, ठीक है, मतलब मदद का ढांचा। अभी मदद कहां दी जाती है, इस क्षेत्र में दी जाती है, इतना ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग हो गई। अब जो भी उसका फ्रेंड है, मान लेते हैं मेरी एक सहेली है, उसको साइकिल चलानी आती है, मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती, ठीक है, तो वो क्या होगी मेरे लिए, मोर नॉलेजेबल अदर होगी, ठीक है, मेरे टीचर हैं, मुझे कुछ बता रहे हैं, कुछ हिंट दे रहे हैं क्वेश्चन में, तो वो कौन हो गए, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मेरे पापा हो गए, मेरे मम्मी हो गए, जो भी कोई मुझे हेल्प कर रहा है, एक बच्चे को जो भी हेल्प करता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, MKO। और जहां तक उसको विकास मतलब जहां तक उसको मदद की जरूरत है, वो क्या होगा हमारा, ZPD, ठीक है, तो हमारा हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ आ गया यहां तक। अब हमने जैसे थ्री टर्म ऑफ कर लिए, थ्री एस्पेक्ट भी कर लिए, है ना, ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, हमने ये सब देख लिया। अब जब हम बात करते हैं जो हमारे वाइगोत्सी हैं,
वो लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है लैंग्वेज के द्वारा ही समाज से इंटरेक्शन कर पाता है, अपनी बात दूसरों को बता पाता है और दूसरों की बात खुद भी समझ पाता है। ठीक है, और हाँ मैं एक चीज और बोल रही थी आपसे बीच में, सॉरी अभी इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी और वीडियो की डिमांड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं थ्योरी स्टार्ट कर रखी है। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें नेक्स्ट वाइगोत्सी, हम लैंग्वेज के लिए क्या बोलते हैं, है ना? ठीक है, वाइगोत्सी एंड लैंग्वेज बोलो। तो बच्चा इन्होंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट टूल। पहले तो इन्होंने लैंग्वेज को क्या बोला है, टूल बोला है ना, जो क्या करता है हमारे पास सोशल इंटरेक्शन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि लैंग्वेज के द्वारा ही बच्चा सब कुछ कर रहे हैं। अब अगर आप प्याजे की बात करें तो प्याजे ने पहले बोला था पहले थॉट आते हैं उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज आती है, लेकिन वाइगोत्सी क्या बोलते हैं, पहले लैंग्वेज आती है फिर विचार होते हैं। अब कई लोग ये सोचते हैं कि वाइगोत्सी प्याजे का उल्टा है, लेकिन उल्टा नहीं है। फिर प्याजे भी क्या बोलते हैं, बच्चा 3 और 4 साल की एज में आके वो दोनों के प्याजे और दोनों के थॉट मिक्स हो जाते हैं, कि कई बार मतलब विचार भी पहले आ सकता है, लैंग्वेज भी पहले आ सकती है, थॉट ठीक है, दोनों का उल्टा होता है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या बोला है, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टूल बोला है, और इन्होंने क्या बोला, 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दिया है ना, 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। अब इन्होंने 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज क्या बोले, इंपॉर्टेंट है इनका कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में कैसे होती है। तो सबसे पहले होता है सोशल स्पीच, ठीक है, सामाजिक वाक जिसको बोल सकते हैं हम, सामाजिक वाक, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आती है प्राइवेट स्पीच, ठीक है, जिसको बोलते हैं निजी वाक। थर्ड आता है हमारे पास साइलेंट स्पीच, है ना, ठीक है। मतलब आप इनको देख लेते हैं इन्होंने बोला क्या क्या। देखो लैंग्वेज को इन्होंने इंपॉर्टेंट बोला है। एक क्वेश्चन हमको ये इन सब एग्जाम में हमें ये पूछ लेते हैं कि लैंग्वेज को सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया, तो वाइगोत्सी ने दिया है। अब सोशल स्पीच किसने दिया, वो भी वाइगोत्सी ने दिया है। प्राइवेट स्पीच किसने दिया, वो भी वाइगोत्सी ने दिया है। साइलेंट स्पीच किसने बोला, वो भी वाइगोत्सी। अब सोशल स्पीच क्या होती है, ये हमारे पास 2 से 3 साल की एज में आ जाती है, और इस एज को हम टेलीग्राफी एज भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीटेट में अभी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, कि जो बच्चा 2-3 वाक्य बनाना सीख जाता है उसको कौन सी एज बोलते हैं, तो टेलीग्राफी एज बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखनी, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, यहीं से पक्का हो जाएगा आपका। तो सोशल स्पीच क्या होती है, जब बच्चा समाज में रहकर अपने घर में रहकर 1, 2, 3 छोटे छोटे वाक्य शब्द बोलना सीख जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सोशल स्पीच, ठीक है। अब वही बात करते हैं प्राइवेट स्पीच। अब आपने छोटे बच्चे को देखा होगा अपने घर के आसपास, है ना, तो बच्चे क्योंकि वाइगोत्सी ने अपने ही बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट कर रखी है, इसलिए वो ज्यादा श्योर तरीके से बता रहे हैं हमें, ठीक है। अब जो बच्चा आता है ना, वो क्या करता है, सपोज उनको हमने ना एक छोटे छोटे क्यूब दे रखे हैं कि सॉल्व करना है ना एक के ऊपर एक, तो बच्चा अपने से ही बातें कर रहा है, वो दूसरे से बातें नहीं कर रहा है। कई बार हम भी कर लेते हैं, यार नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, मतलब हम अपने से ही बात कर रहे हैं। तो बच्चा क्या कहता है, ये गाड़ी गई, इसको इसके ऊपर लगाएंगे, इसको इसके ऊपर लगाएंगे, कुछ भी, जो बच्चा अपने से बात कर रहा है, किसी और से बात नहीं कर रहा है ना, कि हाँ ये तो लाल वाली थी इसको तो इधर आना चाहिए, ये ब्लैक थी इसको इधर आना था, है ना, ये तो आम है, ये एप्पल है, कुछ भी है, जो बच्चा अपने से बात कर रहा है, दैट इज प्राइवेट स्पीच। अब साइलेंट स्पीच की बात करें तो ये 6 से लेकर 7 साल के बाद आ जाती है। इसका मतलब क्या है, बच्चा अब ना तो सोसाइटी से इंटरेक्शन मतलब बात कर रहा है किसी और से, ना वो बोल बोल के खुद से बात कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, अपने मन में ही सोच रहा है बातें, है ना, अब उसके थॉट आ रहे हैं खुद ही दिमाग में, तो उसको बोलते हैं हम साइलेंट स्पीच। तो हम इसमें अगर और टर्म की बात करें, क्योंकि इनकी टर्म ही बहुत सारी है ना यहाँ पे हमारी पूरी थ्योरी में, तो अगर हम सम और इम्पोर्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं, सम अदर इम्पोर्टेंस टर्म, तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले कोलैबोरेट लर्निंग, इसका मतलब क्या है, एक साथ आकर सीखना, एक साथ
आकर सीखना। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा जितना बच्चा अकेले नहीं सीख सकता उतना साथ में सीखता है, कोलैबोरेट करके सीखता है ना। जैसे हमने बोला था कि स्कैफोल्डिंग की उसको जरूरत है, जीडीपी है, एमकेओ की जरूरत है, तो ये सच्ची में जरूरत है बच्चों को, है ना, कि उसमें हमारे टीचर पेरेंट्स कुछ भी आ सकते हैं। तो बच्चा इसके साथ देखेगा, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ देखेगा, ठीक है। सेकंड पीयर ग्रुप मतलब अपने दोस्तों के आसपास सीखेगा, है ना। उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग भी इसी में आएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब किसी से कोऑपरेट करके सीखना, है ना। उसके बाद और इसमें हमें रेसिप्रोकल लर्निंग एक्टिविटीज, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आएंगे, हमारे पास एक्टिविटीज भी इसी में आ जाएगा, है ना। अब अगर हम बात करें एजुकेशन इम्प्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मतलब एजुकेशन में हमारे पास कहां कहां पे यूज होता है। अब देखो, सबसे पहले हमें पता है कि इसमें स्कैफोल्डिंग भी है, जेटपीडी भी है, एमकेओ भी है, तो स्टूडेंट को टीचर को क्या चाहिए कि जिस बच्चे को जहां तक हेल्प हो सके उसकी हेल्प करनी चाहिए एक टाइम तक, उसके बाद बच्चे को खुद करने के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है, कि बच्चा खुद सीखेगा। तो मतलब उसको एक्टिविटी करवानी है, साथ में उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं हम। अब ग्रुपिंग भी कैसे करनी है, एक जैसे बच्चों के साथ नहीं करनी है, हेट्रोजीनियस ग्रुप बनानी है। कैसे ग्रुप बनाने हैं, हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, कोई ज्यादा, जिसको कुछ ज्यादा पता है जिसको कम पता है, उन दोनों को मिक्स करके ऐसे ग्रुप बना दो, है ना। एक्टिविटीज करवानी चाहिए। उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें, मतलब बच्चों को ग्रुप स्टडी के लिए, जैसे हमने ग्रुप बोल दिया है ना, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया कि बच्चों को छोड़ देना चाहिए कि एक हद तक करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पे ही करना है, ठीक है। तो ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन होगी। अच्छा होता है ना कि जब कोई बात बोल देता है तो लोग उसको क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं, क्रिटिसाइज का मतलब ये नहीं आलोचना कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, तो उसमें से कमियां और अच्छाइयां ढूंढने लग जाते हैं। तो कईयों ने तो अच्छा ढूंढी, कईयों ने इसको क्रिटिसिज्म भी करा कि जो इनकी जो थ्योरी है वो कल्चर पे बेस्ड है, लेकिन हर कल्चर में यही सब बहुत जरूरी नहीं है। कई बच्चे बिना किसी हेल्प के सीख जाते हैं, ऐसा मतलब अदर साइकोलॉजिस्ट का कहना था। तो इनकी कई जगह पे क्रिटिसिज्म भी हुआ था, बट फिर भी हमारी जो वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी है बहुत ज्यादा फुलफिल है, हर एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की बात करो। अगर हम इसको बाइंड अप करें तो हमने इसमें देखा, सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बोला है कि ये सोशल कल्चर मतलब सोसाइटी पे ज्यादा बेस है, बच्चा इंटरेक्शन करके सीखता है, सोशो कल्चर और लैंग्वेज में इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। इन्होंने जेडपीडी मतलब जोन प्रॉक्सिमल प्रोडक्शन डेवलपमेंट उस पर ज्यादा जोर दिया है, एमकेओ पे ज्यादा जोर दिया है ना। स्कैफोल्डिंग अगर बात करते हैं, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग कौन सी थ्योरी का है, तो वो वाइगोत्स्की की थ्योरी का है, ठीक है। फिर उन्होंने इन्होंने बोला इंपॉर्टेंट लैंग्वेज को, इन्होंने क्या क्या बोला, तो लैंग्वेज को इन्होंने सोशल स्पीच बोला, प्राइवेट स्पीच बोला, इनर स्पीच बोला, है ना, कि बच्चा हमेशा इंटरेक्शन करके सीखेगा, अपने से ज्यादा एज वाले ग्रुप के साथ रह के सीखेगा, वो ज्यादा मायने करता है, ठीक है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने बोला कि कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, तो ये भी उन्होंने बोला। तो ये थी हमारी थ्योरी वाइगोत्स्की की। अगर आपको कोई और टॉपिक करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरी थ्योरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।